फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द नोटिस राइटिंग। ए नोटिस राइटिंग क्या होता है? ए सबसे पहले हमको जाना है नोटिस राइटिंग क्या है। नोटिस राइटिंग का मतलब होता है जी सूचना। ये नोटिस जो है हम लोग कई जगह में देखते हैं, नोटिस दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे अभी जैसे COVID-19 का, कोरोना का दौर चल रहा है, सरकारी नोटिस दिया जा रहा है, हाँ जी, इतना वजह तक घर से नहीं निकलना, इतना वजह तक निकलना, ये सब चीज़ नोटिस आप लोग देखते होंगे, जिसको लिखा रहता है सूचना। सरकारी जगह में सूचना पट बोला जाता है, हम लोग जो है इसको इंग्लिश में नोटिस बोर्ड बोलते हैं। आप लोग स्कूल में भी देखे होंगे नोटिस बोर्ड। तो नोटिस का एक जो है पार्टिकुलरली फॉर्मेट है, ये हमको जानना है। तो नोटिस क्लास 6 से आप लोग देखते होंगे जो सिलेबस में फर्स्ट में ही राइटिंग सेशन का सबसे पहला पार्ट जो है वो नोटिस राइटिंग है। अब हम लोग जानते हैं किस तरह से नोटिस को लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये नोटिस राइटिंग लिखाने के पहले आप लोग को हम बता दें, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि आप लोग को कम से कम समय में, कम से कम MB खर्च करते हुए आप लोग को अच्छा से जानकारी हो। हमने जितना रिलेटेड वीडियो डाले हैं उस सब का देखे होंगे आप लोग, 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मेन हमको आप लोग से इनकम की बात नहीं है, जे हमको कोई जितना मिनट अब एक्सपेंस होगा उतना हमको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको हेल्प हो, ये मेरा मेन टारगेट है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है? नोटिस कौन लिख रहा है, कौन संस्था से लिखा जा रहा है, या कोई क्लब से लिख रहे हैं, या तो स्कूल के तरफ से हम लोग लिख रहे हैं, उसके बारे में लिखेंगे। अगर स्कूल के हो तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन क्या होगा, नोटिस किसके बारे में लिख रहा है। सपोज दैट हम ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं, जे ताकि जो है अभी ऐसा समय है जी आप लोग जो है ब्लड डोनेट कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोनेट ब्लड। लॉस्ट एंड फाउंड भी हो सकता है, अगर हमने कोई सामान खो गया स्कूल में है, तो यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड लिख सकते हैं। तो ये हेडलाइन होगा, हेडलाइन जैसे जैसे सब्जेक्ट होगा वो नोटिस का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमें हेडलाइन क्या देंगे। हाँ स्टूडेंट्स, डेट किस तरह से लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरली हम लोग कैसे लिख देते हैं, 31 मई 2000, ऐसे नहीं लिख देना है 31/5/20, ऐसा नहीं लिखना है। इस तरह से अगर लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत है। लिखना कैसे है, 31 मई 2020 इस तरह से लिखना है। अगर 30th ऐसे लिखना है, TH करके 30 अगर है तो 30th लिखेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, हेडलाइन देंगे। फिर एक कॉमन जो है लाइन हम लिख दे रहे हैं, जो आप लोग हमेशा के लिए इस लाइन को फॉलो कीजिएगा, बस नोटिस बन जाएगा। क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल का नाम हो जाएगा, तो स्कूल का। अगर आप क्लब के तरफ से लिख रहे थे उसका नाम हो जाएगा। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है तो लिखिएगा ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम एट प्लेस के नाम, कौन जगह में, स्कूल हॉल है, ऑडिटोरियम हॉल है, वो क्लब में के तरफ से अगर दे रहे हैं तो क्लब के कोई लिखेगा उस जो सोसाइटी हॉल। उसके बाद ऑन डे कौन दिन करेंगे, बस इतना तक जो है एक कॉमन फॉर्मेट है, इसको आपको लिखना है। सपोज दैट ए एक नोटिस हमने इतना तक तो लिख दिया, आप मान के चलो जी लिख रहे हैं जे इफ यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, आपको क्या नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस आप दोगे जे बच्चों को पुराने बुक्स जमा करने के लिए, ताकि आपका लोकलिटी में जो स्लम एरिया है उस जगह में बच्चों को जो है हम कुछ मदद कर सके। तो क्या करेंगे, सीधा इतना तक लिख देंगे और इस दिन को होगा, मान के चलो संडे लिख देंगे। हाँ, उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट, आप देखोगे बुक में ही क्वेश्चन में आधा आंसर दिया रहता है, टू डोनेट के बाद बुक से लिख देना है, इसमें अपने से ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल हमको ख्याल रखना है इसमें 50 वर्ड्स लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, केवल 50 वर्ड्स लिखना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ओल्ड बुक्स, ओल्ड कॉपीज, ओल्ड क्लॉथ्स, हाँ, बिफोर डेट दे देंगे टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइन लिख के। और अंडरसाइन कौन है, इस जगह में अपना नाम लिखोगे, आपका डेजिग्नेशन लिखोगे। सपोज दैट हेड बॉय लिख रहा है तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ हेड बॉय लिखेंगे। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, नेम दिया रहता है, सपोज दैट यू आर XYZ, तो वही नेम को लिखेंगे और उसका डेजिग्नेशन क्या है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, बस इतना लिख देंगे, बस नोटिस तैयार हो गया। तो ये नोटिस का फॉर्मेट बताए, इतना आप जरूर फॉलो कर लोगे तो आपको जो 4 मार्क्स या तो 5 मार्क्स जो भी रहता है ये पूरा मिल जाएगी। ओके okay?